जी मेरा नाम है मीनू, बताने जा रही हूँ कल इस विधि से करें अचला सप्तमी व्रत। ये है महत्व व कथा। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत की विधि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताई थी। इस बार यह व्रत 3 फरवरी शुक्रवार को है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। व्रत विधि: सप्तमी तिथि की सुबह जल्दी उठकर नदी या सरोवर पर जाकर स्नान करें। सोने चांदी अथवा तांबे के ज्योत में तिल का तेल डालकर जलाएं। ज्योत को सिर पर रखकर हृदय में भगवान सूर्य का इस प्रकार ध्यान करें: नमस्ते रुद्र रूपाय रसा नाम पतय नम वरुणाय नमुस्तुते तु हरिवास नमुस्तुतु ते यावजन कृतम पापम मया जन्मसु सप्तसु तन्मे रोगम चाशोकम चा माकरी हंतु सप्तमी जननी सर्वभूतानां सप्तमी सप्त सात्तिके सर्व्याधि हरे देवी नमस्ते रवि मंडले। इसके बाद ज्योत को नदी में बहा दें। दोबारा स्नान कर देवताओं व पितरों का तर्पण करें और चंदन की टहनी से भोजपत्र पर अष्टदल कमल बनाएं। उस कमल के बीच में शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित कर प्रणव मंत्र से पूजा करें और पुणादि 8 दलों में क्रम से अभानु रवि विवस्वान भास्कर सविता अर्क सहस किरण तथा सर्वात्मा की पूजा करें। इन नामों के शुरुआत में ओंकार चतुर्थी विभक्ति तथा अंत में नमः लगाएं। जैसे ओम 92 नमः, ओम रवे नमः इत्यादि। इस प्रकार फूल धूप दीप निवेद तथा वस्त्र आदि उपचारों से विधि पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा कर सब स्थानम गम्यताम यह कहकर विसर्जित कर दें। बाद में तांबे अथवा मिट्टी के बर्तन में गुड़ और घी सहित तिल का चूर्ण तथा सोने का एक आभूषण रख दें। इसके बाद लाल कपड़े से ढककर पुष्प धूप आदि से पूजा करें और वह बर्तन योग ब्राह्मण को दान कर दें। फिर सपुत्र पशु भ्रताय मो कोयम प्रतिताम पुत्र पशु भ्रत समित मेरे ऊपर भगवान सूर्य मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, ऐसी प्रार्थना करें। फिर गुरु को वस्त्र तिल गाय और दक्षिणा देकर तथा शक्ति के अनुसार अन्न ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का समापन करें। अचला सप्तमी व्रत का महत्व इस प्रकार है। अचला सप्तमी को पुराणों में रथ सूर्य भानु अर्क महती तथा पुत्र सप्तमी भी कहा गया है। इस दिन व्रत करने से संपूर्ण माघ मास के स्नान का फल मिलता है। अचला सप्तमी के महत्व का वर्णन स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन यदि विधि विधान से व्रत व स्नान किया जाए तो संपूर्ण माघ मास के स्नान का पुण्य मिलता है। व्रत के रूप में इस दिन नमक रहित एक समय एक अन्न का भोजन कर अथवा फलहार करने का विधान है। एक मानता यह भी है कि अचला सप्तमी व्रत करने वाले को वर्ष भर रविवार व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो अचला सप्तमी के महत्व को श्रद्धा भक्ति से कहता अथवा सुनता है तथा उपदेश देता है वह भी उत्तम लोगों को प्राप्त करता है। अचला सप्तमी व्रत की कथा इस प्रकार है। मगध देश में इंदुमती नाम की एक वैश्या रहती थी। एक दिन उसने सोचा कि संसार तो नश्वर है, फिर किस प्रकार यहाँ रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। यह सोचकर वह वैश्या महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में चली गई और उनसे कहा, मैंने अपने जीवन में कभी कोई दान तप जाप उपवास आदि नहीं किए हैं, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बता लाएं जिससे मेरा उद्धार हो सके। तथा वशिष्ठ जी ने उसे अचला सप्तमी स्नान व व्रत की विधि बतलाई। वैश्या ने विधि विधान पूर्वक अचला सप्तमी का व्रत व स्नान किया, जिसके प्रभाव से वह वैश्या बहुत दिनों तक संसारिक सुखों का उपभोग करती हुई देह त्याग के पश्चात देवराज इंद्र की सभी अप्सराओं में प्रधान नायिका बनी। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।